मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अगर आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दावा करना है तो धारा 9 के तहत आप दावा कर सकते हैं, और उसका अगर रिविजन कर पुनरीक्षण करवाना है तो धारा 17 के तहत आप पुनरीक्षण करवा सकते हैं। इसमें मुख्य जो तथ्य है वो बता देते हैं हम आपको। 20 लाख रुपए तक का उपभोक्ता अगर नुकसान उपभोक्ता को नुकसान होता है तो 20 लाख रुपए तक के नुकसान में उपभोक्ता को नुकसान होता है तो वो जिला फोरम में जा सकता है। अधिकारिता है, लिमिटेशन है पैसों की नुकसान के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक का अगर कोई उपभोक्ता विवाद है तो वो राज्य आयोग की अधिकारिता के तहत राज्य आयोग में अपना वाद दायर कर सकता है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अगर आपका प्रश्न होगा कि 1 करोड़ से ऊपर हो तो क्या करना चाहिए, तो 1 करोड़ से अगर ऊपर का विवाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, 1 करोड़ से अगर ऊपर का अगर विवाद है उपभोक्ता मामले में तो वो राष्ट्रीय आयोग में अपना वाद दायर कर सकता है। तो ये लिमिटेशन है, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। जिला फोरम तक 20 लाख रुपए और 20 लाख से 1 करोड़ तक जो है राज्य आयोग, और 1 करोड़ से अधिक के समस्त दावे जो हैं राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता संरक्षण मामलों में आप काम में ले सकते हैं। अधिनियम की धारा 9 के अधीन उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अधिकरण है, जिला फोरम। और अब आप वाद कहाँ कहाँ दायर करोगे, तो पहला सबसे पहले जिला फोरम, वो दावे की लिमिट के अनुसार, फिर राज्य आयोग, फिर राष्ट्रीय आयोग। जिला फोरम में अगर आपको वाद दायर करना है तो 20 लाख रुपये तक का आप वाद उपभोक्ता मामलों में दर्ज आवेदन कर सकते हैं, और राज्य आयोग में 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम के मामले आप अप्लाई कर सकते हैं, और राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक के समस्त उपभोक्ता मामले राज्य आयोग में आप अप्लीकेशन लगा सकते हैं। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो धारा 17 है, राज्य आयोग की पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य आयोग के अंतर्गत धारा 17 में पुनरीक्षण भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग अगर कोई फैसला सुनाता है और उसके विरुद्ध अपील करना है, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता मामलों में यदि कोई निर्णय सुनाता है उस निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अंदर अंदर आप उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो अनावश्यक ही किसी को परेशान करने के मकसद से जो है ये वाद लाया जाता है, तो उसको धारा अधिनियम की धारा 26 के तहत परिवाद को रद्द भी किया जा सकता है। मुख्य बिंदु जो हम आपको बता देते हैं उपभोक्ता मामलों में, यदि कोई उपभोक्ता वाद लाता है तो उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होने चाहिए। क्षतिपूर्ति की राशि की मांग करना सबसे पहला उपभोक्ता वाद का एलिमेंट्स है। दूसरा, सेवा या माल की कीमत प्राप्त करना, जैसे कि आपने कोई माल खरीदा उपभोक्ता मामलों के तहत माल खरीदा है, तो अगर माल की कीमत जैसे 200 रुपये हैं या 20 लाख रुपए हैं तो उस माल की कीमत की भी मांग की जा सकती है। माल या सेवा को अन्य माल या सेवा से प्रतिस्थापित करना, रिप्लेसमेंट भी करने का विकल्प मांग लेना चाहिए। और उपभोक्तावाद का मुख्य एलिमेंट है, अगर धारा 24 के ये कहती है उपभोक्ता मामले में कि यदि कोई मामला विवादित बनता है तो विवादित तारीख से 2 वर्ष के अंदर अंदर वाद प्रस्तुत कर देना चाहिए, इसकी भी लिमिटेशन है। तो ये उपभोक्ता मामलों के मुख्य बिंदु हमने आपको बताए, धारा 9, धारा 17 और
धारा 24 इसी के संबंधित है, उपभोक्ता संबंधित मामले में। ये प्रॉब्लम उपभोक्ता संबंधित मामलों में, जैसे कोई माल खरीदता, माल डैमेज वाला आ गया, नुकसान वाला आ गया, या क्वालिटी डैमेज है, तो उस संबंध में बिलिंग प्रॉब्लम है, तो ये उपभोक्ता संबंधित मामलों में आप उपभोक्ता जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहें।